राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। बलराम श्री कृष्ण के बड़े भाई थे, जो शेष नाग के अवतार माने जाते हैं। जब जब श्री हरि विष्णु इस धरती पर अवतार लेते हैं, उस वक्त उनके शेष नाग बलराम भी उनके साथ अवतार लेते हैं। त्रेता युग में शेष नाग ने लक्ष्मण के रूप में जन्म लिया था, वहीं द्वापर युग में बलराम के रूप में जन्म लिया। लेकिन ये सारी बातें तो हम सभी जानते हैं, लेकिन क्या आपको पता है क्या हुआ जब श्री कृष्ण का रूप स्वयं बलराम दाऊ ने धारण किया। एक बार ऐसा समय आया था कि बलराम दाऊ ने श्री कृष्ण का रूप धारण किया था, तो क्या है वो कथा, आइए जानते हैं। लेकिन इससे पहले आपके अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो चलिए शुरू करते हैं। एक दिन की बात है, बलराम दाऊ श्री कृष्ण के पास आते हैं और उनके मन में ये इच्छा होती है कि वे एक दिन के लिए श्री कृष्ण बनना चाहते हैं। बलराम दाऊ श्री कृष्ण से पूछते हैं, क्या एक दिन के लिए मैं कृष्ण बन जाऊं? मैं तुम्हारा मोर पंख धारण कर लूं, मैं तुम्हारी बांसुरी बजाऊं। श्री कृष्ण जो अपने भाई से बहुत ही ज्यादा प्रेम करते थे, वे मान गए और बलराम दाऊ को अपना रूप दे दिया। बलराम दाऊ सर पे मोर पंख लगाकर बांसुरी बजाते हुए जाने लगे। लेकिन दोस्तों, इसी बीच श्री कृष्ण को मारने के लिए श्री कृष्ण के मामा ने और एक षड्यंत्र रची थी, और इस बार अश्वदानव को वृंदावन भेजता है। राक्षस ने जब श्री कृष्ण के मामा से पूछा कि ये जो कृष्ण है उसका रूप कैसा है, उसकी पहचान कैसी है, उस वक्त श्री कृष्ण के पापी मामा ने बताया कि उसके सर पे मोरपंख होता है और एक बांसुरी हमेशा उसके साथ रहती है और वो बांसुरी बजाते रहता है। अश्विनी राक्षस समझ गया कि श्री कृष्ण का हुलिया क्या है और वो वृंदावन की तरफ जाने लगता है। लेकिन इधर बलराम जी ने श्री कृष्ण का हुलिया बनाया हुआ था, बलराम जी ने श्री कृष्ण का मोरपंख धारण किया था, बलराम जी ही बांसुरी बजा रहे थे। और इसके बाद जब वो राक्षस वृंदावन आता है तो कृष्ण के जैसा हुलिये में बलराम को देखता है, लेकिन उस राक्षस को लगता है कि यही श्री कृष्ण है। वो राक्षस बलराम को श्री कृष्ण समझ उनके पास आता है और उनको बहुत जोर से एक लात से प्रहार करता है। बलराम को जब वो लात लगती है तो वो दूर जाकर गिर जाते हैं। राक्षस को लगता है कि उसने श्री कृष्ण को मार डाला और राक्षस वहां से चला जाता है। और इधर बलराम जी को छाती में बहुत जोर से लगी थी, उनका दम अभी भी घुट रहा था। इसके बाद बलराम अपने घर जाते हैं और श्री कृष्ण के पास जाकर श्री कृष्ण की मोर पंख और बांसुरी लौटा देते हैं और सारी घटना कह सुनाते हैं। बलराम जी कहते हैं कि मैं कभी भी तुम्हारा रूप धारण नहीं करूंगा। दोस्तों, इसके बाद बलराम जी अपने माता रोहिणी के पास चले जाते हैं और अपने माता के गोद में सर रख के सो जाते हैं। श्री कृष्ण ने मोर पंख पहना, बांसुरी को अपने कमर में बांधा और इसके बाद अश्वदानव से मिलने चले गए और अश्वदानव का वध कर दिया। ये कथा हमें ये सिखाती है कि कभी भी इस संसार में श्री कृष्ण के बराबरी करने का नहीं सोचना चाहिए। श्री कृष्ण परम भगवान है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।